सही बात है। तो अब देखते हैं तो यहाँ से भैया घोड़े वाले भैया सुसाइड करके दिखाएंगे। और बजरंगी भाईजान का जो बॉर्डर वाला सीन था लास्ट वाला, उसकी शूटिंग का वेन्यू आपको दिखा। गाइस यही है वो रिवर जहाँ पर राम तेरी गंगा वैली की शूटिंग हुई है। तो अभी तक तो मुझे यही लगता था कि ये शूटिंग उत्तराखंड में हुई है, पर यहाँ पर आने के बाद ये लट रहा है। तो है कश्मीर में अगर आप स्नो देखना चाहते हो तो आ सकते हो आप यहाँ पे। ने अपने हजार अपने पल्ले से जेब में से उसको दिए, अब इसने हजार रुपए इसको दे दिए। तो ठीक है, अब वो बंदा फा दिया था हजार पे, तो यहाँ पे 36 बंदे लिया मैंने हजार पे दे मैं। ये आपको 5000 6000 4500 अलग अलग जगहों के नाम लेंगे, कंफ्यूज करेंगे आपको भाई, इतना माइंड वॉश कर देंगे आपका, पता नहीं ऐसे बोलेंगे आपको तो स्वर्ग में ही ले जाएंगे, इतना कन्विंस। गुड मॉर्निंग दोस्तों, तो फिलहाल मैं उठ चुका हूँ और हमारा ये है डे सेकंड। तो अभी जस्ट उठ के मैं बाहर का व्यू चेक करवाता हूँ आपको, अंदर बहुत ठंड है और मैंने हुडी वगैरह पहनी हुई है। और अभी आज हमें निकलना है सोनमर्ग के लिए, तो हमारी कैब जो है वो 9 o'clock आ जाएगी। अभी टाइम हो रहा है 7:30, तो अभी उठते हैं और बाहर चलते हैं। आज हम रुके हुए थे बोट हाउस में, तो मैं तो जरा यहाँ पे बैठू थोड़ी देर, उसके बाद नहा के रेडी होके फिर निकलेंगे अपना सोनमर्ग के लिए। बाहर आके थोड़ा धूप लग रहा है तो अच्छा लग रहा, अंदर तो ठंड लग रही थी। अंकल अभी तो ब्रश भी नहीं करा, अभी उठ के ही आया हूँ, पियेंगे अभी थोड़ी देर में चाय। अच्छा चाय, अभी ब्रेकफास्ट हमारा रेडी हो गया, इसको निकलते हैं ब्रेकफास्ट करके। क्या क्या लाया ब्रेकफास्ट में? और चाय और ब्रेड ऑमलेट। ठीक है, ब्रेड ऑमलेट और चाय और बाहर से एक और। हाँ तो कोई बात नहीं, बाहर भैया आए हैं फ्रूट चाट के लिए, एक फ्रूट चाट बनवा लिया। भैया क्या प्राइस है? ठीक है, तो हम 150 वाला ले रहे हैं एक, क्योंकि अभी ट्रैवल करना है इतना खा नहीं पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे बस ये मार्केट अपने आप ही इधर आते रहते हैं, कुछ भी जो भी बेचने वाले होते हैं। तो अभी चलते हैं ब्रेकफास्ट करते हैं, निकलते हैं यहाँ से। लो जी दे दो, खा के निकलते हैं। ये हमारे फ्रूट्स आ गए, ब्रेड ऑमलेट आ गया और चाय आ गई, पी के निकलते हैं जल्दी से। हमारा कैब वाला खड़ा ही है, कब से कॉल आ रहे हैं उसके। तो भाई शिकार है भाई, बैग लिया, बैग रख दे यहाँ पे। ठीक है, इस शिकार में जाएंगे 15 नंबर गेट पे, अभी जितनी देर सामान रखते तब पे फ्रूट खा लेते अपने। दो थोड़े चक्कर लगाएगा, सस्ता करेगा चक्कर। अंकल कैब खड़ी है, चक्कर क्या लगाए इस टाइम, फिर लेट हो जाएंगे जाने के लिए। कहाँ बैठेगा? गिर ना जाए। तो भाई वापिस चल रहे हैं, अभी इसको टिप दे रहा है बेचारे को, टिप दे रहे हैं इसको, टिप दे देते हैं, टिप दे देते हैं। तो ही पहुंच गए 15 नंबर गेट पे और अपने बैग लेते हैं, और हमारे गाड़ी वाले भैया भी। अच्छा आप हो? आ जा जल्दी कशिश। अच्छा पैसे रह गए सिंगल दे, तो इसको करते हैं अलविदा और चलते हैं अभी सोनमर्ग। सलाम वालेकुम, कैसे हो? तो भैया से हमने रात को डील की थी सोनमर्ग जाने के लिए, तो अपने टाइम से आ गए भैया। बाकी आज अभी अच्छा लगेगा तो बाकी 2-3 दिन भी आप ही के साथ इंशाल्लाह चलेंगे। फाइनली गाइस निकल चुके हैं सोनमर्ग के लिए। तो भैया आपने नाम तो बताया नहीं अपना। मोहम्मद सलीम।
मोहम्मद सलीम भैया हैं यहाँ पर, जो कि रात को हमने कर लिए थे अपना। तो अभी चलते हैं, कितना टाइम लगेगा भैया यहाँ से? 2 घंटे। ठीक है तो वहाँ पे आप मेन सोनमर्ग तक जाओगे और वहाँ पे 0 पॉइंट और ग्लेशियर के लिए कैसे जाना पड़ेगा? वहाँ पे सर दो साधन है वहाँ पे। अच्छा, तो गाड़ी एक तो दूसरा घोड़ा। अच्छा, उससे हम जा सकते हैं। 0 पॉइंट आप गाड़ी में जा सकते हो। हाँ। और जो ग्लेशियर है वहाँ पे हॉर्स से। हॉर्स से। तो आप दोनों में से अगर एक जगह जा रहे हो तो क्या सजेस्ट करोगे, किस पे अच्छा व्यू है? ग्लेशियर अच्छा है। ग्लेशियर अच्छा है, ग्लेशियर सबसे बढ़िया। ठीक है, ग्लेशियर पे ही चलेंगे। ठीक है, तो क्या कुछ प्राइस होगा हॉर्स का? वो मसला जो है ना 0 पॉइंट का। हाँ। वहाँ पे ज्यादातर ट्रैफिक जाम रहता है। अच्छा अच्छा, जिस वजह से वो क्यों वहाँ से करगिल ले। अच्छा ठीक है सर, हाई रोड है। ठीक है ठीक है, जहाँ आपको जाना है 0 पॉइंट, उसको बोलते हैं जोजिला पास। जोजिला पास, हाँ हाँ, जो 14,000 फीट ऊपर है। ठीक है ठीक है ठीक है सर। तो इसलिए ये लाइन किस चीज की है? ये पासपोर्ट ऑफिस है सर। अच्छा, पासपोर्ट ऑफिस। तो अभी हम निकल रहे हैं जामिया मस्जिद के बाहर से। यहाँ पे देखो आप, ये बहुत ही फेमस मस्जिद है यहाँ की। तो यहाँ पे अभी नमाज वाले दिन, ईद वाले दिन काफी भीड़ रहने वाला था। आज भी बहुत भीड़ रहेगी। आज के दिन भी? हाँ, फ्राइडे है आज। अच्छा, फ्राइडे को ईद पड़ी जाती, नमाज पढ़ी जाती जी। फर्स्ट लोकेशन पे पहुंचे हैं, वाइल्ड गांदरबल। यहाँ का आपको व्यू दिखाता हूँ मैं यहाँ से, कितना सुंदर है ये जगह। सिंध नदी, सिंध। चलते हैं अपना बाहर। चलते हैं अपन लोग। बहुत सुंदर है भाई, लिटरली। थोड़ा सा ठंडक मिली यहाँ पे आके। सॉरी, लुक एट दिस प्लेस ब्रो। चल के लेते हैं बढ़िया बढ़िया शॉट्स यहाँ पे, बहुत सुंदर। अभी हम सोनमर्ग से थोड़ा पहले ही हैं, जस्ट 8 और 9 किलोमीटर पहले, और यहाँ पे वो सुंदर सी जगह आई है, वो आपको दिखा देते हैं। ये पुल है और यहाँ से भाई ये देखो। Finally guys, after 2 hours of driving, we are in Sonmarg, और यहाँ से मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ की ब्यूटी। ये तो है ही, वो देखो सामने यार, क्या व्यू है। तो अभी गाड़ी पार्क कर दी है, यहाँ से अपने कपड़े ले लेते हैं जो भी हमें चाहिए, जैकेट वगैरह जो भी चाहिए, ऊपर थोड़ी ठंड हो सकती है, तो उसके बाद चलेंगे। तो अभी ये फ्रेंड्स मिले हैं बाहर से। तो ये कल दूध पर, मैम कल आप दूध पत्री हो गए हो, कैसा एक्सपीरियंस था वहाँ पर? जो इंस्टाग्राम और यूट्यूब की हाइप देख के आ रहे हैं। अच्छा, तो मतलब वो सही बात है। तो अब देखते हैं, यहाँ पे भी इतना महंगा बोल ही रहे हैं। यहाँ पे भी भाई घोड़े वालों के रेट इतने महंगे हैं, अभी देखते हैं फाइनलाइज क्या होता है, वो आपको मैं बताऊंगा। क्या कह रहे हैं ये? अभी बताओ। तो अभी फिलहाल हमारे रेट डिसाइड किया है मैंने घोड़े वाले के साथ बार्गेनिंग करके, तो लास्ट रेट जो बना है वो 4,000 से मैं नीचे लेके आया उनको 1,400 पे, जो कि हमारे को दो जगहों पे ये लेके जाएंगे ऊपर, जो कि है अब किससे बात करूं मैं फाइनली, ग्लेशियर, दो जगहों पे। तो अभी ये भाई आप जा रहे हो लेकर के? ये लड़का जा रहा है और दूसरा सोहेल भाई जा रहा है। सोहेल कौन है? एक और कहा है?
दो घोड़े तू कल ले जाएगा? नहीं यहाँ पे 10 घोड़े चाहिए, यहाँ पे और रास्ता नहीं है देखो। ओ भाई चलो बिठाओ फिर बिठाओ, बैठो ना सर आओ। तो भाई अभी घोड़े पे बैठ चुके हैं और अभी निकलते हैं। तो फाइनली गाइस सोनमर्ग में है और यहाँ से अभी घोड़ा कर लिया और निकल गए हैं थाजवा ग्लेशियर के लिए। और आपको भी वहाँ का पूरा एक्सप्लोर करके दिखाएंगे कैसा व्यू आता है वहाँ से। अच्छा एक बात है, आप लोग कश्मीर आते जाते हो घूमने, पर यहाँ आना आसान है, बट यहाँ पे जो लोकल साइट्स को घूमना इट्स टू एक्सपेंसिव यार। बर्फ की डिसाइड स्लेज गाड़ी कितना प्राइस है? 350 पर पूर्णी भाई। अगर ऊपर लॉन्ग शूज मिल जाएंगे एक बात कर कितने में वो ना सर मैंने आपको पर पॉइंट ऐसे तो 36 पॉइंट बता देगा हमारे को। नहीं 36 नहीं, 6 और 8 पॉइंट ना बस रहने दो, हम तो पैदल घूम लेंगे जितना घूम, हम तो पैदल घूम लेंगे। आप ही बोलो ना भैया। तो भैया अभी पहला कौन सा पॉइंट आएगा? सुसाइड पॉइंट। तो वहाँ से सुसाइड कशी सुसाइड कर लियो आज सुसाइड पॉइंट से। छोटे छोटे दो बच्चे हैं तो अभी सुसाइड पॉइंट पे चल रहे हैं और सुसाइड करके दिखाएंगे वहाँ से आपको बढ़िया से। तो अभी हम लोग पहुंच चुके अपने फर्स्ट पॉइंट पे जिसका नाम है सुसाइड पॉइंट। तो यहाँ से भैया घोड़े वाले भैया सुसाइड करके दिखाएंगे तो मैं भी नहीं करके दिखाऊंगा भाई, मैं जस्ट आपको दिखा रहा हूँ यहाँ से गहराई देखो, इसलिए ये इसको सुसाइड पॉइंट बोला गया। अच्छा इसीलिए इसका नाम सुसाइड पॉइंट हो गया भाई, ये देखो। अभी एक और पॉइंट पे पहुंचे हैं, भैया बता रहे हैं यहाँ पे कौन सी मूवी की शूटिंग हुई थी, ऐलाने जग धर्मेंद्र जी की। तो भाई ये देख लो यहाँ पे हुई थी, और जिन्होंने मूवी देखी है कमेंट करके जरूर बताना। किसने? मैंने नहीं देखी, मैं बना दिया व्लॉग यहाँ से। मेरे जो उस पार देख रहे हो वो 0 पॉइंट के पहाड़ है, और जहाँ हम थाजवा ग्लेशियर जा रहे हैं उसके पहाड़ साथ ही सारे यही है। किसी पीछे यही है। अच्छा तो भाई सही है, अगर सोनमर्ग मतलब कश्मीर आ रहे हो तो सोनमर्ग को आप बिल्कुल स्किप नहीं कर सकते, मतलब मोस्ट ब्यूटीफुल प्लेस है ये यहाँ की। तो आप जब भी कश्मीर आओ सोनमर्ग तो जरूर ही आना। और बाकी आपको मैंने घोड़े वगैरह के उसके प्राइस बता दिए, अगर 0 पॉइंट आपको जाना है तो वहाँ जाने के लिए 5 से 6 हज़ार की गाड़ी जाती है ना, और वो भी आपको कम कैसे लगेंगे, आप शेयरिंग बेसिस पे चले जाइए किसी के साथ। अगर आपको यहाँ पे लोग मिल रहे हैं जो दो का कपल हो या 2-3 आप हो तो आपस में मिला के आप 0 पॉइंट भी जा सकते हो। पर हमारा डिसीजन ये था कि हम यहाँ पे एक्सप्लोर करें। मैगी जून खाना। प्यार हमें किस मोड़ पे ले आया, तो इस गाने से आपको पता लग गया होगा ये फिल्म है सत्ते पे सत्ता। तो इस मूवी की शूटिंग हुई है इस जगह पर, और यहाँ पे देख सकते हो आप वो जगह वहाँ पे उनकी जो घर बनाया हुआ था रहने के लिए, तो वो अभी फिलहाल तो नहीं है, कब से फिल्म बनी थी और आज कितने साल हो गए। तो आप यहाँ से देख सकते हो कितना ब्यूटीफुल जगह है। मैं गिर जूंगा, मैं गिर जूंगा भाई, लड़ाई कर रहे हो, मैं गिर जूंगा ये लट में। तो फाइनली अभी जहाँ पे हमने आना था थाजवा ग्लेशियर वहां पे हम पहुंच गए भाई। ओ भाई भाई बता तो दिया अगर इतने खतरनाक रास्तों से लेके जा रहा। पानी पिएंगे घोड़े यहाँ पे? पिलाओ पिलाओ घोड़ों को पानी पिलाओ। ये देखो क्राउड देखो भाई यहाँ पे, सच में वर्थ इट तो है यहाँ पर आना, बहुत सही लग रहा है भाई। आराम से भिगा दिया आपने, आराम से पानी पी घोड़े भाई। भाई छोड़ियो मत यार, चलो भाई क्या आई व्यू है भाई, मस्त मजा आ गया। आज की पार्टी मेरी तरफ से, आज की पार्टी मेरी तरफ से। तो आपने ये गाना जरूर सुना होगा बजरंगी भाईजान मूवी,
का ये सॉन्ग है और बजरंगी भाईजान का जो बॉर्डर वाला सीन था लास्ट वाला उसकी शूटिंग का वेन्यू आपको दिखा दे। तो व्यू चेक करो भाई, यहाँ पर वो शूटिंग हुई है और भैया ने बताया अभी यहाँ पे, तो मैंने कहा आप लोगों को भी मैं बता ही दूं। देखिए यहाँ पे पूरा सेट लगा था उसका, बजरंगी भाईजान का। यार सारी दुनिया उधर जा रही है, घोड़ा गलत आ गया भाई, घोड़ा गलत आ गया, ये सारी दुनिया का रास्ता बो रहा मेरे को, कल्ले को यहाँ पर ये रुकी गया, अच्छा पानी पी रहा। तो जब भाई शूटिंग हुई थी ना, तो इसके नदी के, ये नदी देखो पहले तो बनाई गई है, मतलब ये नदी के उस पार पाकिस्तान का बॉर्डर बनाया गया था और यहाँ पे इंडिया वाला सीन लिया गया था। तो आप नदी का सीन उठा के देखना तब आपको असली में समझ आएगा, क्योंकि सेम प्लेस थी ये। थोड़ा और आगे जाके दिखा देता हूँ आपको, ये देखिए क्या पहुंच तो गए हैं, अभी कुछ खाएंगे, भूख लग रही है। और कशिश यहाँ पे करवा रहा शूट कैमरा से, तो अभी मैगी मंगवा ली है और वो मैगी के साथ शूट करने चला गया कशिश। और बारिश का मौसम बन गया बिल्कुल, और अभी बारिश होगी तो मतलब कपड़े भी नहीं है बारिश के हिसाब से, ठंड पूरी हो रही है इस टाइम यहाँ पे। तो अभी मैगी खाते हैं, तो भाई यहाँ पे देखो कितने घोड़े ही घोड़े। और अभी तो मेरा मूड इतना ख़राब हुआ पड़ा है, अभी मेरी होगी बहस घोड़े वाले से नहीं, उसके साथ एक कैमरामैन आया उसके साथ होगी। उसने नीचे से बोला मोबाइल अगर आपका है तो मैं 100 रुपये में वहाँ पे ऊपर मोबाइल मूल पकड़ लूँगा जहाँ जहाँ आप बोलोगे, ठीक है। ऊपर आके उसने मुझे बोला 100 रुपये पर शॉट, मतलब एक बार उसको कैमरा दिया तो 100 रुपये बन गए। अब बन भाई 10-12 बार उसको कैमरा दे दिया, भाई चल मोबाइल ही तो पकड़ना है, मतलब मोबाइल पकड़ने के भाई 1000-1200 रुपये, मतलब इतना बड़ा स्कैम। मैं तो भाई लड़ पड़ा हूँ उससे, अब मेरा तो मूड हो गया बिल्कुल ख़राब। कशिश बैठा हुआ है उसके साथ, अभी भी उसी से शूट करवा रहा है, पता नहीं क्या करवा रहा है। फ़ोटो 30 रुपये में बोला था उसको, अब वीडियोज़ बनवा लिया और वीडियो के भी उसने इतने इतने पैसे बना दिए, अब बैठ के उससे करवा रहा। शुगर मैंने कम करवाया था, क्योंकि मतलब नीचे से आपको कुछ और बोल के लाएंगे और ऊपर आते ही पलट जाएंगे और गुस्से से बात करेंगे बिल्कुल, मतलब लड़ने वाली टोन में। तो भाई ये चीज़ का भी ध्यान रखना आप यहाँ पर आके। टूरिस्ट की भीड़ देखो, मतलब हर जगह इस टाइम पे जून जुलाई में टूरिस्ट इतना ज़्यादा हर जगह पे। और एक छोटा सा पूल है उसमें भी देख लो कितने सारे लोग हैं। तो भाई ये मैं सोचो कि कश्मीर में टूरिज़्म कम है, बहुत ज़्यादा टूरिज़्म है यहाँ पे। अभी वो वाइट वाली स्नो तक जा रहे हैं, देखते जाया जाएगा कि नहीं जाया जाएगा। वहाँ पे तो बहुत ज़्यादा भीड़ है, वहाँ से जाना पॉसिबल नहीं। अभी 100 रुपये के शूज़ लिए हैं, अब यहाँ से जाएंगे, ये जैसे ये आ रहे हैं इधर से, ये आ रहे हैं भाई, अभी इसमें से जा रहे हैं। सॉक्स नहीं गिली हो रही, ये वाटर प्रूफ का, बैठ जा, आ जा भाई, कम है पानी बाकी। ध्यान रखी पैर पे, उधर से पानी में बचना पड़ जाए। तो भाई ये पार करके वो देखो उठी खड़ाई,
तो अभी वो वाइट स्नो तक जाएंगे। स्लेज गाड़ी से कशिश जा रहा है और मैं तो ट्रैक करके जा रहा हूँ, उसका रीज़न मैं आपको बता दूंगा अभी कि क्यों मैं ट्रैक करके जा रहा हूँ और कशिश उससे जा रहा है। तो भाई बात ये थी कि जब मैं लास्ट टाइम आया था यही स्लेज वाली राइड मैंने की थी सिर्फ 500 रुपये में, और जो ये मेरा दोस्त सुनता है नहीं अपनी चलानी है, इसको 1500 रुपये दिए इसने वो स्लेज पे बैठने के लिए। तो इसके ऊपर लेके जाएंगे, ये देखो ये जरा सी बर्फ़ दिखाने के लिए ऊपर, मतलब बर्फ़ ही तो देखनी है ऐसे भी देख सकते हैं। 1500 रुपये पे कर दिए इसने, और जब मुझे पता लगा मैं साइड में वीडियोस बना रहा था मुझे पता नहीं था, और अब मैं उनके सामने बोल भी नहीं सकता फिर ये लड़ाई वाले काम। तो चलते हैं दिखा देते हैं आपको भी, अभी ऊपर आए हैं बर्फ के पास और बारिश शुरू हो गई है और बर्फ देखो कितनी गंदी बर्फ को देख कितनी गंदी बर्फ को देख लीजिए 1500 रुपये दिए इसने और मैं फ्री में जा रहा हूँ पैदल। नहीं भैया वो कर रहे हैं मोरे, ये देखो बर्फ कितनी सुंदर बर्फ है, है कशिश फोटो खिंचाए थे बड़ी सोनी आनी थी, कितनी सोनी बर्फ है बहुत सुंदर बर्फ। गाइस यहाँ पे देखो जून मंथ में भी आज है 15 जून, और 15 जून को भी आपको देख लो स्नो तो है कश्मीर में, अगर आप स्नो देखना चाहते हो तो आ सकते हो आप यहाँ पे, कुछ जगहों पे अच्छी बर्फ भी पड़ी है और कईयों पे पिघल रही है तो वो कीचड़ बन गई है। तो भाई अपने भाई भी ले आए, आप लोग कहाँ से आए? महाराष्ट्र। क्या नाम है आपका? सागर। कैसा लगा कश्मीर? बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया, कब आए थे? 2-3 दिन हो गए। 2-3 दिन हो गए, तो आपके दोस्तों से भी बात करते हैं थोड़ी सी। तो अभी यहाँ पे मैंने आपको बताया ना मोबाइल पकड़ने के लिए 500-500 चार्ज कर रहे हैं, इससे से तो टूरिस्ट के साथ थोड़ा हेल्प ले लो, एक दूसरे की वीडियोस फोटोज आपस में कर लो। हाय मैम, हाउ आर यू? तो क्या नाम है आपका? अंजल। अच्छा, अब आपका? मितुल। मितुल, हाय मैम। नाम? तो ये लोग महाराष्ट्र से आए हैं सभी, तो कैसा एक्सपीरियंस लगा आपको? ओहो बारिश होगी। तो अभी मैं इनसे भैया से वीडियो बनवाया, तो अभी मैं इनका वीडियो शूट करके दूंगा, मोबाइल लेके आए हैं बट ये लोग बोले कि हम कैप्चर नहीं कर रहे मोमेंट्स को, बट करना चाहिए, तो अभी शूट करते हैं आप लोगों का। ठीक है स्टार्ट। भाई अभी कुछ दोस्त मिल गए थे, उनका शूट किया बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा खुश हो गए वो लोग, और उन्होंने मेरी भी वीडियोस बना दी। और कशिश देख लो यार, कसम से मेरे को हंसी आ रही है उस पर, पहले उसने बात भी नहीं की मेरे साथ कि मैं ये करने जा रहा हूँ। यहाँ से देख लो रास्ता, ये सारा पैदल लेके गए उसे, पता नहीं किस बात के 1500 रुपये दिए हैं, बस एक झूला देंगे वहाँ से नीचे बस। बहुत आगे चला गया, मैं जा रहा हूँ उसके पास। मैम कुछ बोल रहे थे कि जो 5000 वाली बात बताइए ना प्लीज, आप बताइए वीडियोस में क्या कहते हैं ब्लॉगर, कितने रुपए में? 5000 में सीधा यहाँ आ जाइए और यहाँ आके 50000 कर ये कह रहे हैं आप लोग इंस्टाग्राम पे और यूट्यूब वाले ऐसे बताते हो कि 5000 रुपए उठाइए, बैग उठाइए और आ जाइए घूमने इन खूबसूरत वादियों में, पर जब ये लोग यहाँ पर आते हैं तो 50000 तो तक का खर्चा हो जाता है, ये हमें गालियां देते हैं भाई बात में। तो भाई इस टाइम मैं बिल्कुल बर्फ के पीक पर आ गया हूँ सिर्फ आप लोगों को दिखाने के लिए। देखो यहाँ पे पूरी बर्फ है जून के महीने में, और ये देखो यहाँ से स्लेज राइड हो रही है, नीचे तक लेके जाते हैं स्लेज में, और वो देखो कशिश, वो देखो कैसे जा रहा है पकड़ पकड़ के लेके जा रहे हैं। तो चलिए इसका शूट करेंगे वहाँ से, आपको क्लिप दिखाता हूँ मैं। अभी आपको इस सुंदर सी लोकेशन पे एक और कशिश गिर गया एक वाटरफॉल दिखाता हूँ ये देखो, ऊपर भी नहीं आया, इसको पैदल ही लेके गए हैं। ठीक है अंकल, बिना स्केटर के स्केटिंग हो रही है, ये देखो आराम से सही हो गए तो गरम गरम चाल
पहले इसने 1000 रुपए बेचारे ने लिए और इसने अपने 1000 अपने पल्ले से जेब में से उसको दिए, अब इसने 1000 रुपए इसको दे दिए, तो ठीक है। अब वो बंदा फालतू के पैसे इससे मांग रहा है। मैं ऊपर तक भी नहीं गया, मुझे ना वो ऊपर तक कह रहा 800 रुपए और लगेंगे ऊपर जाकर। मैं हाँ बस ठीक है, बहुत है इतना। हाँ हम तो जाएगा अब। सबसे इतना वर्स्ट एक्सपीरियंस था ना इस बार का, इतनी लड़ाइयाँ हुई है ना हमारी इस ट्रिप में, नोट आपस में यहाँ के लोगों के साथ, मतलब इतना स्कैम अब मैं आपको बता नहीं सकता। मैं इस वीडियो के बताऊँगा, ये खाली मिल गया, ये रोड भी आप वीडियो बना सकते हैं भाई। वहाँ से नीचे आ गए, अभी वापस श्रीनगर जाना है और अभी देखो वो लड़ाइयाँ चल रही हैं वहाँ पे। हाँ हूँ की बने, बस बोलते हैं की कह रहे हैं 500 रुपये और दिए नहीं तुमने फिर। अब चल भाई नीचे लेके, 8 नंबर पे यहीं पे तो था, दिया था 1000 रुपया, दिया था 1000 रुपया। तू यहाँ पे 36 बंदे लिया, मैंने 1000 रुपये दे, मैं ऊपर नहीं चढ़ा पहले मेरे पास। तो अभी फिलहाल इस सुंदर सी वैली को छोड़ के नीचे चलते हैं और देखिए यहाँ का व्यू। हाय, हाँ कर दो हाय जोर से। तोशिफ, आपका जारू क्या खाना है? केले खाने हैं। ये लो जाओ चीजी खा लो। खुदा हाफिज। बाय नहीं करोगे तुम? बाय जाओ। बाबू दे दिए मैंने उसको दे दिए, उसको दे दिया। अब सबको कैसे दूं मैं, तुम्हारे गाल कैसे फट रहे हैं। फाइनली गाइस वापस जा रहे हैं यहाँ से, बहुत देर के आए हुए हैं यहाँ, थक गए। ठंड देखो इतनी ज्यादा हो गई है यहाँ पे, जैकेट भी पड़ी है इसमें बट मेरी मर्जी भी डालने के लिए रोकी नहीं रहा घोड़ा। तो अभी एक पॉइंट और रह गया हमारा, उसको देखने के बाद हम नीचे चलेंगे यहाँ से। राम तेरी गंगा मैली हो गई। तो गाइस यही है वो रिवर जहाँ पर राम तेरी गंगा मैली की शूटिंग हुई है। तो अभी तक तो मुझे यही लगता था कि ये शूटिंग उत्तराखंड में हुई है, पर यहाँ पर आने के बाद पता लगा कि कश्मीर में हुई है शूटिंग। तो यहाँ पे आप इसका व्यू देख सकते हो, तो यहाँ पर हुई है वो शूटिंग राम तेरी गंगा मैली फिल्म की। तो आप भी इंजॉय कीजिए यहाँ से। तो भाई इतनी ज्यादा ठंड हो गई है यहाँ पे, अभी फिलहाल मैंने जैकेट निकाल लिया। जब हम आ रहे थे तो गाड़ी में लिटरली हमने एसी चला रखा था, इतनी गर्मी थी जब श्रीनगर में थे। पर यहीं सोनमर्ग में अब वापसी जाने का टाइम हो गया, तो इतनी ज्यादा ठंड हो गई है यहाँ पर। तो चलते अभी नीचे और भैया इंतजार कर रहे होंगे हमारे कैब वाले और हमें श्रीनगर छोड़ेंगे। अभी जाके हमने होटल भी देखना आज के लिए, क्योंकि कल तो हम डल लेक में रुक गए थे बोट हाउस में। भाई अभी सोनमर्ग से जा रहे हैं और लास्ट में भी देखो व्यू को, इतना प्यारा व्यू है ना, जाने का दिल नहीं कर रहा, पर जाना पड़ेगा हमें। देखो इधर भी और ये देखो पीछे, और ये भैया हमारे घोड़े वाले जो कि आज बंदों से लड़ने को तैयार हो गए हमारे लिए। बहुत अच्छा बंदा था भाई ये, और एक ये कैमरामैन भी बहुत बढ़िया बंदा था। तो अभी फिलहाल सारा एक्सप्लोर करके नीचे आ चुके हैं और यहाँ से मैं थोड़ा सा इस माउंटेन तक आया था नीचे से ट्रैक करके थोड़ी सी रील्स बनाने के लिए, तो वो भी बन चुकी हैं। और इसके बाद अभी निकलेंगे हम श्रीनगर। तो आपको मैं जस्ट थोड़ी सी बातें बता दूँ सोनमर्ग के बारे में। अगर आप सोनमर्ग आना चाहते हो तो आप श्रीनगर से एक टैक्सी बुक कीजिए और यहाँ पर पहुँच जाइए, जिसका फेयर रहने वाला है 2000 से लेके 2500 के बीच में। आप बार्गिन करके जितना भी आप कम करवा सकते हो तो वो करवा लेना। हमें ये पड़ा 2300 रुपये, जो हमने बार्गेनिंग करी 2300 रुपये में हम यहाँ पे पहुँच गए। उसके बाद भाई ये घोड़े जो कि आपको वो ग्लेशियर तक लेके जाएंगे, ये आपको 5000, 6000, 4500 अलग अलग जगहों के नाम लेंगे, कंफ्यूज करेंगे आपको भाई, इतना माइंड वॉश कर देंगे आपका, पता नहीं ऐसे बोलेंगे आपको तो स्वर्ग में ही ले जाएंगे, इतना कन्विंस कर देंगे कि आप 5000 रुपये दे दो। कुछ नहीं है, वही है, एक ही जगह पे सब घोड़े जा रहे हैं, बस बताने का तरीका थोड़ा अलग अलग है। तो हमने जो किया है, हाँ जी
क्या फोटो भैया हो गया सब घुमाए। तो भाई हमने 1400 रुपए में किया है घोड़ा, बहुत लोग बोलते इतना दो उतना दे दो, तो आपको भी बार्गेनिंग करनी पड़ेगी और वो ग्लेशियर तक अगर आपने जाना है तो। तो भाई फिलहाल हमारा ट्रिप यहाँ से नीचे चलते हैं, तो ये बात थी। और यहाँ पे भाई फोटोग्राफर वगैरह कुछ भी मत बुक करना, बहुत पैसे ठगते हैं। स्लेज गाड़ी वाले ने इतना ज़्यादा ठगा है उसको, कशिश को जो मेरे साथ आया है। तो मतलब इन चीज़ों का ध्यान रखना, ज़रूरत नहीं है फालतू का खर्चा करने की। वहाँ पे ऊपर आप पैदल भी ट्रैक करके जा सकते हो स्लेज के बगैर भी, उसके 1500 रुपये चार्ज करता था वो बंदा, और मैं पैदल चला गया था इतनी ऊपर। तो इन चीज़ों का भी थोड़ा ध्यान रखना अगर आप आ रहे हो तो। स्कैम बहुत तगड़ा स्कैम चल रहा है यहाँ पर, तो चलते हैं अभी फिलहाल नीचे। फाइनली गाइस चलते हैं यहाँ से वापस श्रीनगर की तरफ। अभी हम श्रीनगर जा रहे हैं और अभी टाइम देखो कितना हुआ, शाम के 7:45 और अपने वहाँ देख लो इस टाइम कैसे अंधेरा हो जाता है, और यहाँ पे देखो अभी भी चांदना है कितना। तो भाई देखो कितना बढ़िया, देखो फाइनली अब सोनमर्ग से श्रीनगर पहुंचे और यहाँ पे होटल लिया है। अभी दिखा देते हैं अभी आपको आज का रूम ये रहने वाला है हमारा, ये दिया हुआ है। बैग यहाँ लगाते हैं, यहाँ तो गर्मी है। अभी एसी भी तो है, एसी चल जाएगा। ये वॉशरूम है, गीजर वगैरह सब लगाई हुआ है। तो अभी बहुत थक चुके हैं, एक मिनट भी है मेरे रेडी वेडी हो सकते हैं। तो भाई अभी रेस्ट करते हैं और मिलते हैं आपको कल सुबह। आज के लिए व्लॉग बहुत शानदार था, अब इंजॉय करना। तो आपको कल मिलेंगे दूध पत्री जाते वक्त, ठीक है, टाटा बाय बाय सी यू। तो अभी रात के 9:30 बज गए हैं और अब डिनर के लिए जा रहे हैं, अब मतलब फ्री हुए हैं, सामान वगैरह रख के फ्रेश हो गए हैं। तो मैंने तो ये डाल लिए हल्के से कपड़े, क्योंकि इतनी ठंड नहीं है सिटी में, ठंड नहीं है बाहर। वहाँ पे जहाँ पे गांव में गए थे सोनमर्ग गुलमर्ग वगैरह उन जगहों पे होती है ठंड। तो अभी तो निकलते हैं बस। आज ये रहा हमारा होटल, यहाँ से निकलते हैं और मार्केट की तरफ चलते हैं।